इनके बारे में स्वयं भी कहता है कि इनके नबी का निजाम लाए बगैर दुनिया से तस्तब और जुल्म का खात्मा नहीं किया जाता। तो बोलो बारिश तो उस दिन के, लेकिन आज जरूरत इस बात की है हुकूमतों के अंदर जो खामी, हुकूमतों के अंदर जो कोताही, वो क्यों है? इसलिए कि हम सोए हुए हैं, हम अपना फर्ज अदा नहीं करते, हमने खुली छूट दे दिया। हमें जाओ मियां तुम्हारा वो रास्ता, हमारा ये रास्ता, हमें सबक पढ़ा दिया उनके एजेंडों ने कि तुझे पढ़ाई क्या पड़ी अपनी निबेड़ की, तू किस मामले में फंस गया मुसलमान? अल्लाह का घर मस्जिद में आ, नमाज पढ़, खूब रोजे रख, अपना दीनी हुलिया बना, घर रहे, आराम कर, घर से यहाँ, यहाँ से घर जा, मल्लाह की तरफ न दे, असेंबली के अवाम की तरफ न दे, सैनट के अवाम की तरफ न दे, अवान सदर की तरफ न दे, वजीर आजम हाउस की तरफ न दे, थाने कचहरी की तरफ न दे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ न दे, वहां जुल्म होने दे, बाजारों के अंदर बेहयाई फैलने दे, गुंडागर्दी आम होने दे, मिलावट होने दे, कौन के अंदर कमी पेशी करने दे, उनको ये सारी खराबियां चलने दे। तुझे क्या है, तुझे क्या पढ़ाई, तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू, तू अपने नफ्स की फिक्र कर, तू अपनी रूह की फिक्र कर, तू अपना तजिया कर ले, तू अपने अंदर झांक, बाहर न दे, बाहर दुनिया देखेगा तो परेशानी होगी। नसीहत करना तेरा काम नहीं, लड़ जाना तेरा काम नहीं। वो हुसैन पता नहीं क्यों लड़ गए थे, और वो मुकद्दर पता नहीं क्यों लड़ गए थे, और बलाल पता नहीं क्यों मुजालों के शिकार हो गए थे, और कुवात को न जाने क्या हो गया था, वो जो कुछ हो गया था भूल जाओ उसे, उस बात को छोड़ दे। पर अल्लाह लगकर देख रहा है, कहते हैं देख हिंदुओं के सन्यासी और पंडित और जोगी जोगी कहते हैं, जरा देख तो सही ये कैसे लोग होते हैं, वो भिक्षु देखो बुद्धों के कहते हैं, वो दलाई लामा देखो दीन तो उसको कहते हैं जनाब कि मरी ड्यूटी पर पाँव ना रखा जाए, नाक पर मरमर की पट्टियां बांध दी जाए, कि मच्छर नाक के अंदर मर ना जाए, जरा एहतियात होनी चाहिए, जरा दर्द होना चाहिए। और नहीं, मुसलमान दर्द करता है, इंसानियत का दर्द करता है, मुसलमान दर्द करता है, कमजोरों मुसलमानों का दर्द करता है, लेकिन जो उन कमजोरों और बेचारों और कमजोरों पर, जो जईफों पर जो जुल्म करने वाला है, उसका मुसलमान दर्द नहीं करता, उसको मुसलमान टकराता। अल्लाह तुम्हारे बता रहा है, एक उम्र के इस्तेमाल का हमें बताया, सभा कीजिए आप ना मैरम सामने आए तो झुका लो, सामने ना मैरम आए तो आंखें झुका लो, और गज़े बसर कर लो, और जब जालिम हुकुमरान सामने हो तो फिर अफजल जहाज नहीं करे, और हक्की निंदा सुल्तान मिल जाए, हुकुमार जालिम हुकुमरान सामने आए तो फिर आंखें झुकानी नहीं है, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर हर कलमा कहना है। यह अलहरा बात है कि बाद लफाफों में आंखें डालने की अहलियत नहीं रहती। मुझे याद है मैं एक दफा एक जगह पहुंचा तो कुछ साथियों ने मुझे नसीहत की एक साथ में, भाई देखना आप नए नए गए असेंबली में तो वहां हुक्मरान बड़े जालिम हैं और बड़े डिक्टेटर हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर कलमा हक कहना। मैंने कहा भाई आपकी बात आपकी मानूंगा आपकी नहीं मानूंगा, कलमा हक तो क्या करूंगा, लेकिन ये आंखों में आंखें डालने वाली बात ना मैं रहूंगा, जिस दिन फिर मैं वापिस ले लें, लेकिन जुल्म की आंखों में, जुल्म की आंखों में आंखें डाल लेना, ये मुसलमान हमारा फरीजा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहां निगाह झुकाएंगे तो मुजरम होंगे, यहां निगाह उठाएंगे तो मुजरम होंगे। हजरात मोहतरम, मैं यही बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि दीन को हमने दुनिया के सारे अभियान पर सारे मुलाम है जिंदगी पर, वो यूरोप का जागीरदारी और समाजदारी का नाम हो, इनकी ये वो जमहूरियत जो जमहूरियत के नाम पर प्राण है वो हो। मैं जमहूरियत का मुखालिफ हूँ, उस अंदाज से नहीं हूँ कि इंसानों की अक्सरियत की बात ना मानी जाए, मैं कहता हूँ ये जो जमहूरियत का उद्गम मैं पाकिस्तान में देखता हूँ, मैंने तो असेंबली के बजट इजलास से भी ये बात कही कि जमहूरियत अंग्रेजी में जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वो तो अक्सरियत की हुक्मरानी है, अक्सरियत की हुक्मरानी। पाकिस्तान में 10,000 आदमी आप सर्वे के लिए बाहर निकाले, उनका सर्वे करें, उनमें से 9,999 वो मिलेंगे जिनकी महाना आमदनी 800 रुपए से लेकर 3,000 रुपए महीने तक, रुपयों में बता रहा हूं, नहीं 800 रुपए से लेकर 3,000 रुपए महीने तक माँ बाप जिनकी आमदनी है उनकी तादाद 9,999 होगी 10,000 में, कोई एक कोई लखपति शायद निकल आए, वो भी हो सकता 10,000 में निकले 20,000 में निकले। तो सरियत किसकी हुई थी, मतलब तबके 800 से लेकर 3,000 तक आमदनी वालों की, लेकिन हुकूमत कौन करता है, जनाब बेनजीर भुट्टो, जनाब गुलाम मुख्तार रसोई, जनाब दुख्तार अली भुट्टो, जनाब नवाज शरीफ, जनाब फलाम, कोई अरबों खरबों से कम वाला भी है, और अरबों अरबों खरबों वाले उन जैसे तो पूरे पाकिस्तानी मुआजरे में सैकड़ों में भी नहीं है। सैकड़ों के ग्रुप के लोग वो हुकूमत करते हैं करोड़ों वाले ग्रुप पर, उसे अक्लियत की गुमानी है या अक्लियत की गुमानी है। और मैं आपको अर्ज करता हूँ हमारा मसला जो पाकिस्तान में वो ये है कि पूरी कौम जिस तरफ चलती है उसके नुमाइंदे और सहबान इकदार उससे उल्टी कर सकते हैं, जो पूरी कौम सोचती है इनकी सोच बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है,
जो हमारे इकदार और हमारी मियाद और हमारा जो सरमाया है इसका उनका सरमाया इनके अंदाज इनकी सोचे उससे बिल्कुल मुकलेगा। हमारे ख्याल और हमारा रुख कुछ और है, उनके ख्याल उनका रुख कुछ और। पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, जो संसद में है वो भी, जो नहीं है वो भी, जो मस्जिद में है वो भी, जो सन्मा में है वो भी, जिसको मजदूरी से फुर्सत नहीं होगी, जो खेतों में काम करता है वो भी, जो कारखाने में वो भी, जो मकान की तामीर कर रहा है वो भी, जो नंग रंग बेचारा कर रहा है उसको कपड़े पूरे मुयसर नहीं, वो भी, उसकी सोच बिल्कुल मेरी और उसकी सोच और आपकी सोच मुख्तलिफ है। और जो हम वहां पर हमारी नुमाइंदगी करने जाते हैं उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ। हमारे नजदीक के बाद जिस तो इश्तहार की है उनके नजदीक वो बात वैसे आ रहा है। हमारे नजदीक जिस बात के अंदर शर्म की बात है, तौहीन की बात है, उनके नजदीक वो बात वैसे जो तो इश्तहार। मैं और आप सोच सकते हैं, जहां मुझे कितने साथियों ने बताया कि मुआशरे के अंदर भी अभी हमारी गारत नहीं करी है, हम परेशान है हमारी बच्चियां। रात मुझे साहब पांचवी फील्ड पर विचार बता रहे थे कि साहब रोती बची रात को उनके पास आया दो कि मेरी दो बच्चियां स्कूल में गई थी 16 और 18 साल की दो बच्चियां, आज दूसरा तीसरा दिन वापस नहीं है। हमारे लिए तो वैसे शर्म है कि हमारी बच्ची बगैर चला के हमारे पते के बगैर कहीं ऐसी जगह चली जाए हमारे में ना हो, हम तो शर्म से मर जाते हैं। और वहां जनाब यशिया मुख्तियार की बेटी भारतीय फिल्म में कश्मीरी औरत का उस लड़की का किरदार अदा करती है जो हिंदू के भारतीय हिंदू के इश्क में मुबतला होती है और कश्मीरी जहाज का समझाने कश्मीर का मजाक उड़ाती है। वो देवा मुख्तियार के किरदार पर यशिया मुख्तियार की गर्दन मैंने झुकी हुई कभी नहीं देखी, सरिये ही पड़ा वो देखा उसकी गर्दन। अनिल रामे साहब की बेटी गाती है और उतार कराते हैं, मेरी बच्ची थी आपने इससे कभी सुना है गाना टीवी पर भी नजर होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है। हकीकत में आपको कहता हूँ जिस बात पर हम गैरत और हयात से मर जाते हैं वो बात उनकी वैसे सदर है, बिल्कुल मुख्तलिफ सोचों के हाथ में हमने दिया हुआ अपना खुदा। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप हमारा पाकिस्तानी मुआशरा आप के लिए से भी जाके हम सब जहां हैं हम मजार है उस मुआशरे को भी जगाएं और यहां भी अपना किरदार अदा करें। लेकिन यही हम वहां से बेखबर हो जाएं, पाकिस्तान का किला भारत पाकिस्तान बाहर इस्लाम का किला पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जहाज भी अपनी कामयाबी के लिए मरहूने मिलना का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। कश्मीर का जहाज भी उस वक्त तक कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान अपना पूरा किरदार अदा नहीं करेगा। कश्मीर आजाद नहीं हो सकेगा, होगा तब जब पाकिस्तान अपनी पूरी जानदारी के साथ अपना किरदार पाकिस्तान की हुकूमत अदा करेगी। तो असल देश और असल बुनियाद वो तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हम इस्लाम का किला नहीं बनाएंगे और पाकिस्तान को हम इस्लामी निजाम को बतौर नमूना नहीं पेश करेंगे और उन बेचारों को बताएंगे नहीं कि ये है वो निजाम जो जज्बात का ख्याल भी रखता है और जो इंसान के लतीफ और नफीस और हसीन जज्बात को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो इंसान की गैरत को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो इंसान की हया को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो इंसान के लिए मुआशरा पैदा करता है जो उसको आगे बढ़ने में रूहानी और जिस्मानी एतबार से तरक्की करने में जैन फ्लैशों को बेदार करने में जो उसको उम्मीद और मामन हो। क्या लोगों को ये बात नजर नहीं आती, आती भी होता जुगा देते हैं हमारे उस मुआशरे में पसमानदा तरीन मुआशरे में अंताई गरीब मुल्कों के अंदर ऐसे ऐसे दबाव पैदा हुए हैं जिनको देश का इन लोगों के साथ विश्रम से चुके हैं। हालांकि जो उसी पसमानदा मुल्क से थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो रियाजी का इम्तहान 3 साल में पास करने वाला 2 साल में अपन आकर पास किया, पूरी दुनिया के तब वहां पर मौजूद थे पास वो आए, वो कहां के थे बरतानिया के तो नहीं थे। डॉक्टर गुलदीर कहां के हैं बरतानिया की पैदावार तो नहीं है। वहां ऐसे ऐसे गली कोनों और कूचों में अनपढ़ लोगों वाला ने उसका हिस्से क्यों दिए, इसलिए दी है कि उनके जहन के अंदर वो बात दुरुस्त है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जब भी कोई चीज अपने मैल से हट जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है, अपने मदार से हट जाती है, वो तरक्की की मनाजों को नहीं तय कर सकती। साइकिल चलाते हुए साइकिल के पहिए के फ्लाईव्हील में वो जहां गोलियां पड़ी होती हैं गोलवे गोली जगह से तेजा हो जाए तो वो साइकिल अदा के जान बन जाती है, टक 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 करती है, झटके देती है, धक्के मारती है, इंसान परेशान हो जाता है, टायर के अंदर सोचते दूसरी फ्लाईव्हील पहिए के अंदर तीसरी बढ़ते बढ़ते वो साइकिल चलने से इनकार कर देती। अगर हर चीज अपनी जगह पर ठीक काम कर रही हो तो फिर फ्लाईव्हील बेदार होती है। मैं ऐसी मिसालें आपके सामने रख सकता हूं, खुद मैं अपनी मिसाल आपके सामने रख सकता हूँ। मैं 1974 से पहले कभी किसी स्टेज के ऊपर खड़े होकर मैंने कभी अपना तारक क्या किसी को पुकारा तक भी नहीं था और मैंने कभी तकरीर का फन किसी से सीखा ही नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ी स्थान पर, किसी ऐसे स्कूल के अंदर या किसी ऐसे इदारे में दाखिल हुआ जो मुझे तकरीर सिखाए। स्कूल और कॉलेज के जमाने में मैंने किसी डिबेट में ऐसा नहीं किया, कभी कुछ तकरीर कभी कुछ स्टेज पर आया तक नहीं मैं कभी। सिर्फ ये बात है कि जब मैंने कह दिया कि मैं बहती मुसलमान अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा तो फिर जहां
जिम्मेदारी लगा दी गई उसको अदा करने के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया, नफ्स को हायल होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। नफ्स को कभी कहता है नहीं, ये जिम्मेदारी जो लगाएगी ज्यादा आम नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो ज्यादा बेहतर है, तो फिर इंतजाम इंतजाम चलेगा क्या? जरूरत इस बात की जो इशारे दिए हैं मेरे बुजुर्गों ने कि तंजीम तंजीम की सूरत में हम आगे बढ़े, वाहमदिल्ला है जमीया एक जमात बनकर अल्लाह के दीन पर डट गए, वन तुम मिल को मूंगा एक जमात बन जाओ तुम सारे के सारे, वकदार एक अल्लाह को मूंगा तुम्हें एक उम्मत और जमात बना देगी, उम्मत अरबी में बिल्कुल मानों में इस्तेमाल होता है, जिन मानों में अंग्रेजी में पार्टी और पाकिस्तान में जमात इस्तेमाल होता है, वो पार्टी वालों जो नजरियात के लिए जमा हुई, जिसने को काम अपने जिम्मे लिया, जिसने को टास्क अपने जिम्मे लिया, जो आगे बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ने के लिए जिसने अपने मौके पैदा करने हैं, वो ऐसी पार्टी बनो, वो काम करो, दावत और ख्याल का काम करो, अमर बिल मालूम होने या मुनकर का काम करो, यानी दीन को उस मुकाम तक पहुंचाओ जहां इसकी बात मानी जाए। ये ना हो कि जिस तरह आज मेरे रब का दीन मेरे नबी की शरीयत इतनी मजलूम है, इतनी मजलूम है कि शायद करबला में हुसैन जितने मजलूम नहीं, खुदा हमारे इतने मानने वाले करोड़ों कलमा पढ़ने वाले नबी का पाकिस्तान में तादाद गिनने पर आए कितने गिने आप, 99% मुसलमान, लेकिन जब कहा जाए कि जनाब शरीयत के कानून के मुताबिक फैसला हो तो ये तो जनाब नहीं हो सकती, ये रिश्वत बंद हो जाए ये तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं होती? लेकिन उसके बावजूद जो मैं कर रहा था कि मैं रसीदा मैं दुरुस्त फिक्र मैं राज फिक्री इंसानी तौर पर भी हमारे लोगों की साइटें जैनिक लाइटों को पालिसी दे रही है, प्रमाण चढ़ा रही है, उनको जिला बख्श रही है, जबकि यहां आप देखेंगे मैंने देखा इस मुआशरे के अंदर इतनी फैसिलिटीज के बावजूद, इतनी सहूलतों के बावजूद, सब कुछ उनको फराह होने के बावजूद, हर फिक्र से आजाद होने के बावजूद जानवर के जानवर मरूबियत एक अलग बात है, वो तो हमारे यहाँ किसी ने कहा था मैं इंग्लैंड गया हूँ, बड़े लायक लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो एक अलग बात है, छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोले और हम समझे हमारे हुक्मरानों की जुबान है, ये बड़े कमाल की बात है, लेकिन जो हम उनकी बोली भी थे हम समझ लेते हैं, कभी कभी बोल भी लेते हैं, हमारी बोली भी जो ये भी समझ होता है, उर्दू बोल भी लेंगे पटवारी भी समझेंगे, मुकाबला करके देख लेंगे तो फिर ज्यादा बात लाइए कौन है, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि ये हमारी इंसाफी बात है, ये दीन की बरकत ये सिर्फ अल्लाह के साथ उसकी बंदगी का ताल्लुक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और उनकी गुलामी का और उनकी उम्मत होने का एहसास, इसने हमें ये फ्लाइट में बची, और अगर कभी ये दीन पूरे का पूरा जैसा अल्लाह ने सुना जाऊँगा आसमान को लाभ नहीं लगूँ, ये दीन मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और इसका मुकम्मल करना आसमान को अलाय तुम नहमती मेरी नहमत का इतमाम कर देने के मुकाबले पूरा नहमत मैंने तुम पर बछावर कर दिया, मजीद उलकमसलाम दीना और इस इस्लाम को कैफियत निजाम की जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, इस निजाम जिंदगी को जो बच्चे रिहायश पड़ी थी अल्लाह फरमाता है मैंने तो अपने नबी करीम रसूल रहीम अलैहिस्सलाम और तस्लीम को दुनिया में भेजा इस काम के लिए है कि कभी मक्के की गलियों में ताने सुनते हुए कांटों पर चलते हुए गालियां खाते हुए बलाल की पीठ पर कोड़े लगते हुए देखकर दिल मजबूत कर और कभी आले यासर पर मुजालम होते देखकर कभी ख्वाब इनाम को जलता हुआ देखकर और रोते हुए और फुड़ते हुए और परेशान होते हुए और कभी ताइफ की गलियों में और ताइफ के बाजारों में पत्थर खाते हुए कभी अकाल के मेले में दुनिया की मलामत फैते हुए और कभी सफार की चोटी पर अपना सर फड़वाते हुए पेशानी जख्मी कराते हुए कभी बदर के मैदान में तलवार चलाते हुए कभी औक में दांत शहीद कराते हुए और सर फलाते हुए और चेहरा जख्मी कराते हुए और कभी खंदक में पेट पर पत्थर बांधकर संकेत खोदते हुए हमने देखा जनाब दिकैतपुर के गले में रस्सियां डालकर उन्हें मक्कों के बाजारों में पीटा जा रहा है, हम देखते हैं कि जनाब उमर फारूक मस्जिद नबी में मुसल्ला रसूल पर जामे शहादत पीते हैं, जनाब उस्माने अली रजी अल्लाह तआला के वास्ते कुरान के खून से कुरान के वास्ते क्यों रंगीन होते हैं, अबे मुर्तजा कूफे की जामे मस्जिद में जामे शहादत पीते हैं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अपने 72 साथी कुंभे वाले घर वाले उनको कटवा कर जमा करा के खुद अपना सर नेजे की नोक पर क्यों चढ़वा लेते हैं और रब के जदीद की आंखों में आंखें डालकर क्यों कलमा हक कहते हैं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा घर के बजाय चेयर से क्यों उठता है, इमाम मालिक के हाथ क्यों तोड़ दिए जाते हैं, इमाम शाफी के बदन पर कोड़े क्यों मारे जाते हैं, इमाम हम्बल के खून से जेल की दीवारें क्यों रंगीन होती हैं और इमाम इब्न तैमिया वो जेल में रब के कुरान की तफसीरें कोयलों के साथ दीवारों पर लिखते लिखते क्यों शहादत पा जाते हैं, और जनाब ये देख लीजिए और पाकिस्तान में देखिए कि डॉक्टर नजीर अहमद माथे पर गोली खाकर क्यों शहादत से इंतकाल होता है और सैयद मौदूदी क्यों फांसी के तख्ते में चढ़कर फांसी के फंदे को चूमकर
ये ऐलान करता है कि मैंने खत्म नबूवत का मसला देखकर कोई जुर्म नहीं किया, माफी नहीं मांगूंगा। अगर कोई गलती है तो अल्लाह माफ करे, मैंने जुर्म नहीं किया, माफी नहीं मांगूंगा। ये चाहे तो मुझे जो चाहे सजा दे दें, लटकाना चाहे तो लटका दें, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिंदगी और मौत के फैसले जमीनों पर नहीं, आसमानों पर। ये आप पूरी तारीख देख लीजिए इस्लाम की, वो इसलिए है कि बातिल इक़दार से हमें टकराना है, ताबूत की आंखों में हमें आंखें डालना है, हमें इस बातिल को मिटाकर हक को इसकी जगह लाना है। लेकिन भाई सबसे पहले मैं ये बात अर्ज करता चलूँ कि आपको तलवार का दाव नहीं, क्लाशनकोप से नहीं, वो जरूरत पड़ी तो वो भी होगा, स्टेट वर्सेस स्टेट वो काम भी होते हैं, वो काम भी करने मदीने की स्टेट ने किए। लेकिन आइए इसकी इब्तदा में आप करता जाऊँ, तमाम मेरे मुसलमान बुजुर्ग और भाई अंतहाई मेरे काबिल इहतराम अजीज नौजवान, मेरे उम्मीदों का सहारा, मुस्तकबल में मेरी उम्मीदों का मरकज, ये नन्हे नन्हे बच्चे आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अर्ज करता हूँ जिस ताबूत से हम लड़ने के लिए निकले हैं मैदान अमल में, हमें निकलना है, नहीं निकलेंगे तो हमारा ईमान मजबूत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम रात को फोन करें पर भैया को भी यदि